वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सीएम साहब ये कैसी शराबबंदी, पुलिस के कब्जे वाली सरकारी स्कूल में शराब की खाली बोतलें, क्या दीवारें पी रही है शराब। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बिहार में ये कैसी शराबबंदी है जहां हर जगह शराब मिल रही है, स्कूल हो या घर, जहां मन करे शराब पीजिए, कहीं कोई डर नहीं। सीएम साहब बार बार कहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि इसे मजबूती से सख्त किया जाए। अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, पेट्रोल की जगह मिल रही है पानी, कहीं आप भी इसके शिकार ना हो जाए। पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से लोग खासे परेशान हैं, समाज का हर तबका इससे प्रभावित हो गया है। परेशानी अभी कम नहीं हुई कि पेट्रोल की जगह पानी देकर पेट्रोल पंप वालों ने लोगों की समस्या को और बढ़ा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं बेतिया लोरिया पथ स्थित मिश्रौली पेट्रोल पंप की, जहां पेट्रोल की जगह पानी मिलने पर जब लोगों ने विरोध किया तब उसकी परेशानी सुनने के बजाय पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पटना में गैस सिलेंडर बेचने सड़क पर उतरी महिलाएं, बोली उज्ज्वला योजना में मिला था अब 900 में खरीदने की औकात नहीं। देश में एलपीजी गैस की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, रसोई गैस की दाम बढ़ने से परेशान महिलाएं राजधानी पटना में सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में विरोध जताया। एनकाउंटर मामले में 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, शहीद दरोगा का सर्विस पिस्टल भी किया गया बरामद। शराब तस्कर और पुलिस एनकाउंटर मामले में 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से शहीद दरोगा दिनेश राम का पिस्टल भी बरामद किया गया है। राजद विधायक चेतन आनंद शूटिंग कॉम्पिटिशन में हुए शामिल, लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। बिहार के सबसे युवा विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने एक और कामयाबी हासिल की है। 31वां बिहार राज्य शूटिंग कंपटीशन के दौरान एक प्रतिभागी के रूप में विद्यानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर सिवान पहुंचे और 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन में 211 अंक के साथ 8वां स्थान हासिल किया। लोजपा सांसद ने दिखाई दरियादिली, जमीन पर बैठकर सुनी दिव्यांग की फरियाद। आम तौर पर आपने देखा होगा कि शिकायत होती है लोगों की कि जनप्रतिनिधि चुन लिए जाने के बाद नेता लोग की बात सुनने नहीं आते, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। दरअसल आज सांसद चंदन सिंह सर्किट हाउस पहुंचे, उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी। इस भीड़ में एक दिव्यांग युवक भी सांसद से मिलने पहुंचा था। पूरे भीड़ में अचानक सांसद चंदन सिंह की नज़र दिव्यांग युवक पर पड़ गई और वह उसकी बात सुनने के लिए सीधा जमीन पर बैठ गए। पश्चिम बंगाल चुनाव में जदयू में हुई बड़ी टूट, कई नेता हुए आरजेडी में शामिल। राजद के बड़े नेता के दावे के बाद जदयू का पलटवार, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद इन राज्यों सहित पूरे देश में सियासी गरमाई हुई है। सिर्फ बंगाल के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जमी हुई है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सियासी जंग काफी दिलचस्प होने वाला है। इस सियासी जंग में उमंग फूंकने की कोशिश में बिहार के कुछ नेता भी जोर शोर से लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के सामने जदयू नेताओं ने काटा जबरदस्त बवाल, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के सामने ही जमकर हंगामा किया गया।
यहां तक कि मारपीट की नौबत आ गई। अब ऐसा ही नजारा सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भी देखने को मिल रहा है। सीजेआई बोबड़े ने किया पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन। सीएम नीतीश समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने आज पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। सीजेआई ने रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन करने के साथ ही पट्टिका का भी अनावरण किया। बता दें कि पटना हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही नए भवन का निर्माण किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं, गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज, नहीं तो पैसे वापस, मात्र 72 घंटे में असर शुरू, कीमत मात्र 2,100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।